हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बीए फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 3, जिसका नाम है आर डैम्स द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इट इज़ एन एसे बाय अरुंधति रॉय, वो डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। This essay is an excerpt from Arundhati Roy's 1961, The Algebra of Infinite Justice. ये जो essay है ना, Arundhati Roy की एक book है जिसका नाम है The Algebra of Infinite Justice, वहाँ से लिया गया है। Roy achieved literary fame and recognition with the publication of first and only novel, The God of Small Things. Arundhati Roy का एक novel है The God of Small Things, उसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा fame and recognition मिला है। This novel won the Booker Prize in 1997. ये जो इनका novel है The God of Small Things, इसे 1997 में Booker Award मिला है and was listed on the New York Times Notable Book of the Year. मतलब New York Times ने इसको एक बहुत ही notable book का award दिया है। She is also the recipient of the Lenin Foundation Cultural Freedom Award. अब एक इनको award और भी मिला जिसका नाम है Lenin Foundation's Cultural Freedom Award. For her work in civil societies that are adversely affected by the world's most powerful governments and corporation. वो क्या कह रही है यहाँ पे, इनको ये जो वर्ड अवार्ड मिला है, जो लेनिन फाउंडेशन कल्चरल फ्रीडम अवार्ड है, जो इन्होंने सोसाइटी के लिए अपना योगदान दिया है उसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला। इसी के ही साथ एंड ऑल्सो द सिडनी पीस प्राइज फॉर हर कैंपेन्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड हर एडवोकेसी ऑफ नॉन वायलेंस। सिडनी पीस प्राइज इनको तक क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट्स के प्रति बहुत सारे कैंपेन्स चलाए हैं और ये हमेशा नॉन वायलेंस की ही बात करती हैं। रॉय इज अ रीनाउंड एंड कमिटेड सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटिस्ट एंड राइटर। इन्होंने हमेशा सोशल इशूज़ के बारे में और इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में बात की है। शी इज ऑल्सो ओ रिलेंटलेस क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट इफेक्ट द एनवायरमेंट। कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी एनवायरमेंट के खिलाफ है या जिनसे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, इन्होंने हमेशा उन पॉलिसीज का विरोध किया है। द पुअर एंड द डिस्पोजेस्ड, कि जिससे गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज जिनकी वजह से एनवायरमेंट को और गरीब लोगों को और जो जिनके पास पोजीशंस नहीं हैं उन लोगों को नुकसान पहुंचा, इन्होंने हमेशा ऐसी पॉलिसी को अपोज किया। हर व्यूज ऑन सच इश्यूज हैव फाउंड एक्सप्रेशंस इन द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ऐसे ही विषय का जो प्रयोग है या फिर ऐसे ही विषयों के बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर अपनी चर्चा की है, जिसका नाम है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, फॉर विच शी वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी। इस बुक के लिए इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2006। हाउ एवर रॉय डिक्लाइन द अवार्ड, और इनको मिला है लेकिन इन्होंने क्या किया, उस अवार्ड को स्वीकार नहीं किया, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंटल पॉलिसीज। और हमेशा इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज का विरोध किया है जो एनवायरमेंट के खिलाफ होती हैं, पुअर पीपल के खिलाफ होती हैं और डिस्पोजेस्ड लोगों के खिलाफ होती है। सो गाइस, अब हम जो आपका लेसन है आर डैम्स द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसकी समरी करेंगे। इन द 50 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, वो क्या कह रहा है, आज़ादी से 50 साल बाद भी, आफ्टर नेहरूज फेमस, नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी जिसका टॉपिक था डैम्स आर द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस स्पीच के बारे में राइटर यहाँ पे बात कर रही हैं, जिस पे स्पीच का टॉपिक था कि क्या जो डैम्स हमारे हैं ना, वो हमारे देश का टेंपल्स है या मंदिर है। लेकिन यहाँ बाद में यहाँ राइटर कहना चाह रहे हैं कि उनको ये जो स्पीच दी है उन पर रिग्रेट करना पड़ा। हिज फूड सोल्जर्स थ्रू देमसेल्व्स इनटू द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग डैम्स विद अननेचुरल फर्वर। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि नेहरू जी के फॉलोवर्स ने या फिर नेहरू जी की जो टीम थी, उन्होंने अपने आप को फेंक दिया, मतलब बहुत बड़ा योगदान दिया इनटू द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग डैम्स, जो डैम बिल्डिंग का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने में, विद अननेचुरल फर्वर। यहाँ पे जो शब्द है फर्वर, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, के मतलब नेहरू जी ने लोगों को ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ दिलाया या फिर उनके फॉलोअर्स जो है ना,
उनको पूरा भरोसा था कि ये जो डैम प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर जाके उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। डैम बिल्डिंग्स ग्रू टू बी इक्वेटेड विद नेशन बिल्डिंग। वो कहते हैं कि जैसे जैसे डैम बिल्डिंग का जो बिजनेस है ग्रो होगा, वैसे ही उसको कंपेयर किया है ना, इक्वेटेड का मतलब इक्वल है किसके, विद नेशन बिल्डिंग। जैसे डैम बिल्डिंग का जो बिजनेस है वो आगे बढ़ेगा, वैसे ही वैसे हमारे देश का भी विकास होगा। देयर एंथुजियाज्म अलोन शुड हैव बीन रीजन इनफ टू मेक वन सस्पिशियस। वो कहते हैं एंथुजियाज्म होता है उत्साह, उनका जो उत्साह था ना, शुड हैव बीन रीजन, यही रीजन है, यही एक रीजन है टू मेक वन सस्पिशियस, जिसकी वजह से, मतलब ये जो एंथुजियाज्म को ज़्यादा ही ज़्यादा ये उत्साह दिखा रहे हैं, जिससे कि बाकी किसी को भी इजीली उन पर शक हो सकता है। सस्पिशियस का मतलब होता है शक होना। नॉट ओनली डिड दे बिल्ड न्यू डैम्स एंड न्यू इरिगेशन सिस्टम्स। वो कहते हैं कि इन्होंने खाली डैम ही नहीं बनाए, जबकि इन्होंने न्यू इरिगेशन सिस्टम भी बनाया। इरिगेशन होता है खेतों की जुताई करने के लिए जो पानी का जो सिस्टम होता है। दे टुक कंट्रोल ऑफ स्मॉल ट्रेडिशनल सिस्टम्स दैट विलेज कम्युनिटीज हैड मैनेज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड अलाउड देम टू अट्रॉपी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ डैम नहीं बनाए, इरिगेशन सिस्टम के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया। दे टुक कंट्रोल ऑफ स्मॉल, कंट्रोल कर लिया, कैसे उनको अपने कंट्रोल में लाए, इन्होंने उनके लिए खुद रूल्स बनाए और उन्होंने कहा, उनको ये आदेश दिए गए किन को, ट्रेडिशनल जो वहाँ के फार्मर्स थे, उनको कहा कि जो तुम्हारा ट्रेडिशनल तरीका है, जो तरीका तुम थाउजेंड्स ऑफ सालों से फॉलो कर रहे हो, आपको वो नहीं फॉलो करना है, जो हम आपको तरीका बताएंगे आपको वो फॉलो करना है। विलेज कम्युनिटीज मतलब जो विलेज के फार्मर्स थे उनको, हैज़ मैनेज मतलब जो हज़ारों सालों से वो तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीका वो फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने उसे निगलेक्ट किया और कहा जो हम तरीका आपको बताएंगे आपको वैसे इरिगेशन करना है। यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रही है कि जो नेहरू जी का जो डैम प्रोजेक्ट है, उसने डैम तो बनाए लेकिन जो ट्रेडिशनल लोगों का जो पुराना तरीका है उनको वो तरीका चेंज करने पर इन्होंने मजबूर कर दिया, मतलब उन लोगों की फार्मिंग पे इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। टू कॉम्पनसेट द लॉस द गवर्नमेंट बिल्ट मोर एंड मोर डैम्स। अब लॉस यहाँ पे किस चीज़ का हुआ है कि ऑब्वियस है कुछ लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ है, उनके खेत गए हैं, उनका पानी गया है, जिस पानी से वो अपने हिसाब से जोताई करते थे अब वो पानी जा चुका है, तो ये लॉस है आम लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने और ज़्यादा डैम्स बनाए और लोगों को विश्वास दिलाया कि आने वाले कुछ सालों में यही डैम्स आपको, हमारे देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। बिग वंस, लिटल वंस, टॉल वंस एंड शॉर्ट वंस, उनने बहुत तरह के डैम्स बनाए, कुछ बड़े थे, छोटे थे, लंबे थे या फिर शॉर्ट थे। द रिजल्ट ऑफ इट्स एग्जर्शंस का यहाँ पर मतलब है एग्जॉटेड, मतलब थकाने वाला। अब इन जो जितने भी डैम्स इन्होंने बनाए हैं, इनका जो रिजल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला था। थकाने वाला का मतलब कम्प्लीटली फेल्ड हो गया ये, क्योंकि इससे आम लोगों को बहुत दिक्कतें हुई। इज दैट इंडिया नाउ बोस्टिंग होता है डींगे मारना, कि अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने छोटे बड़े जितने भी डैम्स बनाए हैं ना, अब ये लोग डींगे मारे हैं, वो बींग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर। यहाँ राइटर कहना चाह रही है इन लोगों ने डैम्स तो बनाए लेकिन, और इन्होंने ये फालतू का ही दावा किया या फिर डींगे मार रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डैम बनाने वाली कंट्री हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन वी हैव 3600 डैम्स दैट क्वालिफाइड एज बिग डैम्स। वो कहते हैं कि जो कमीशन है सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब से 3600 डैम्स कौन से हैं, बड़े वाले डैम्स। 3300 डैम्स जो हैं दैट बिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी के बाद बनाए गए हैं। सम 1000 मोर आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और इनमें से 1000 डैम कौन से हैं जो अभी बन रहे हैं। येट 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन 200 मिलियन पीपल। वो कहता है हमारी पूरी पॉपुलेशन का जो 1/5 पार्ट है, 200 मिलियन पीपल,
डजंट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो यहाँ पे राइटर कहना चाह रही है कि हमारे लोगों के पास यहाँ पानी सेफ जो है वाटर है पीने के लिए नहीं है। एंड जो हमारी 2/3 जो 600 मिलियन लोग हैं पूरी पॉपुलेशन का, दे लैक बेसिक सैनिटेशन। लोगों के पास वाटर नहीं है ढंग का पीने के लिए, ना ही सैनिटेशन है अच्छा। लेकिन इन लोगों को क्या है, डैम बनाने के पड़ी है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पहले बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए, एंड देन उसके बाद एक नेशन की ग्रोथ होगी धीरे धीरे। यहाँ पे जो राइटर है वो क्रिटिसाइज कर रही है इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट स्टैंजा करते हैं। बिग डैम स्टार्टेड वेल बट हैव एंडेड बैडली। जो बिग डैम्स है ना, जब उनका बिजनेस स्टार्ट बनाना है उन्होंने शुरू करा, बहुत अच्छे से चला, बट एंडेड बैडली, और उनका अंत बहुत बुरी तरह से हुआ। देर वॉज अ टाइम वेन एवरीबडी लव्ड देम। शुरू शुरू में क्या था कि सब लोगों ने जो बड़े बड़े डैम्स बनाए गए उनको पसंद किया, एवरीबडी हैड देम, एंड एवरीबडी जो वहाँ पे थे मतलब सब लोगों को पसंद है, सबने उनकी प्रेज़ की। द कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, सब लोगों ने, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं हमारी कंट्री के अंदर, सब ने उनको बहुत तारीफ की। देर वॉज अ टाइम वेन बिग डैम्स मूव्ड मैन टू पोइट्री। वो क्या कहते हैं कि एक समय आया था कि जो बिग डैम्स मूव्ड मैन टू पोइट्री का मतलब ये क्या है कि लोग इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए इनको देख के कि वो लोग डैम्स की तारीफ़ें करते थे, मतलब उनकी तारीफ में पोइट्रीज लिखते, नॉट एनी लॉन्गर। वो कहता पर ये प्रोजेक्ट तो फेल हो गया, अब इससे अब और नहीं होगा, मतलब अभी कम्प्लीटली फेल हो चुका है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ मूवमेंट ग्रोइंग अगेंस्ट बिग डैम। वो कहता है कि अब क्या हो, जैसे ही डैम प्रोजेक्ट फेल होने लग गया, पूरी दुनिया में देर इज़ अ एक मूवमेंट चल गया, ग्रोइंग का मतलब यहाँ पे बढ़ गया, अगेंस्ट बिग डैम, बिग डैम्स के खिलाफ कुछ लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर विद्रोह करना शुरू कर दिया। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 में दे आर बीइंग डीकमीशन। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या किया, ये जो डैम्स बना रहे हैं ना, इन लोगों को कमीशन दी गई, किस बात के लिए, दे आर डीकमीशन ब्लोन अप। मतलब कहने का ये है क्योंकि अभी क्या है, डैम बना रहे हैं और प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उसको, और इन लोगों के पास अभी पैसे भी ख़त्म हो गए, तो कहीं से तो स्पॉन्सर करवाना पड़ेगा ना, तो अब इन्होंने करवाया। द फैक्ट दैट दे डू मोर हार्म देन गुड इज़ नो लॉन्गर। वो कहते हैं कि अभी ये जो बड़े बड़े डैम्स बने हैं ना, इन्होंने क्या किया, ज़्यादा नुकसान किया देन गुड, अच्छा करने की बजाय इन लोगों ने और ज़्यादा नुकसान कर दिया। इज़ नो लॉन्गर, अब वो बचे ही नहीं डैम्स, जस्ट कंजेक्चर। यहाँ पे कंजेक्चर का मतलब क्या होता है, एक गैस है। यहाँ पे जो हमारी राइटर है अरुंधति राव, वो ये क्या कह रही है कि हमारे जो डैम्स है ना, जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर के दौरान वे डैम्स बनाए गए, इन डैम्स ने क्या दावा किया था कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, हमारा देश बहुत बड़ा बन जाएगा डैम्स की वजह से, हम डैम बनाने वाले पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आते। पर यहाँ पे एट दैट राइटर ये गेस कर रही है कि इन डैम्स का, ये जो बड़े बड़े डैम्स है ना, इन्होंने फायदे से ज़्यादा तो नुकसान किया है। बिग डैम्स आर ऑब्सलीट, यहाँ पे क्या कह रहा है, बिग डैम्स आर ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है ओल्ड फैशन। वो कहता है कि अब 50 साल के बाद ये जो बड़े बड़े डैम्स का जो दावा हुआ था ना, ये सब ओल्ड फैशन हो चुका है, दे आर अनकूल, अब ये इतना कूल नहीं लगते, दे आर अनडेमोक्रेटिक। कहते हैं कि ये अलोकतांत्रिक है, दे आर गवर्नमेंट्स वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी। ये क्या कह रहे हैं कि जो डैम्स होते हैं ना, जो ये हैं, ये सरकार का तरीका है लोगों पे अपना हक जताने का या फिर अपनी बातें मनवाने का। डिक्लाइनिंग हु विल गेट हाउ मच वाटर एंड हु विल ग्रो व्हाट वेयर। वो कहता है कि मतलब सरकार का एक तरीका है लोगों के ऊपर अपनी धौंस जमाने का, कि ये इस बात से डिसाइड करने, सॉरी डिक्लाइनिंग नहीं है, डिसाइडिंग है, सरकार डिसाइड करना चाहती थी हु विल गेट, किसको कितना पानी मिलेगा और कौन कहाँ पे फसल उगाएगा। मेनली राइटर कहना चाह रही है डैम का तो एक बहाना था इन लोगों ने हमारे देश के लोगों को या फिर किसानों को यहाँ पे उनका शोषण किया है।
दे आर अ ब्रेजन मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर लैंड एंड इरिगेशन. ब्रेजन का मतलब यहाँ पे है शेमलेस पीपल, के मतलब ये जो डैम्स है ना या फिर डैम्स बनाने वाले कंप्लीटली शेमलेस हैं. मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर, जिन्होंने आम आदमी का पानी ले लिया, मतलब ये डैम्स बनाना एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से लोगों का पानी छीन लिया गया, लैंड उनकी जमीन भी छीन ली गई, इरिगेशन सिस्टम छीन लिया गया पुराने लोगों से, पुराने सॉरी गरीब लोगों से उनका पानी धरती और इरिगेशन सिस्टम छीन लिया गया एंड गिफ्टेड टू द रिच पीपल. और क्या किया, अमीर लोगों के सामने पेश कर दिया गया. इस पैसेज के अंदर जो हमारी राइटर है वो यही कह रही है कि डैम तो एक बहाना था, इन लोगों ने गरीब लोगों का पानी छीन के, उनकी धरती छीन के, उनका जो सिस्टम है वो छीन के अमीर लोगों के आगे पेश कर दिया गया. देयर रिजर्वायर्स, यहाँ पे रिजर्वायर्स वही है जहाँ पे हम वाटर सेव करके रखते हैं, जैसे कि लेक. डिस्प्लेस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ पीपल लिविंग देम होमलेस एंड डेस्टिट्यूट, कि ये जो इनकी जो लेक्स हैं जिसमें वो हो डिस्प्लेस हो गई, क्योंकि ये इनकी लेक का पानी तो कहीं और दे दिया गया. बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है जो इन लेक्स पे आश्रित थी, निर्भर थी, लिविंग देम होमलेस एंड डेस्टिट्यूट, उसकी वजह से ये बेचारे लोग होमलेस हो गए, क्योंकि अब इनके पास पानी नहीं है, पानी नहीं है तो खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो ऑब्वियस है लोग घर छोड़ के कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, एंड डेस्टिट्यूट और बर्बाद हो गए ये लोग पूरी तरह से. इकोलॉजिकली दे आर इन डॉग हाउस. देखो यहाँ पे डॉग हाउस का मतलब है ट्रबल, कि ये लोग जो है वो अब ट्रबल में थे, क्योंकि इनका पानी धरती और इनका जो सिस्टम है इरिगेशन सिस्टम सब इनसे छीन लिया गया. दे ले द अर्थ टू द वेस्ट. अब क्या है, जो हमारी धरती है क्योंकि इनके पास पानी नहीं है प्रॉपर मात्रा में, और ना ही इनका जो पुराना इरिगेशन सिस्टम है ट्रेडिशनल, तो इनके लिए जो धरती है अब कम्प्लीटली एक वेस्ट मटीरियल. दे कॉज फ्लड्स. यहाँ पे जो दे शब्द है ये डैम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. दे कॉज फ्लड्स, डैम्स की वजह से बाढ़ आती है, वाटर लॉगिंग होती है, पानी बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, सैलिनिटी आती है, दे स्प्रेड डिजीज, और इनकी वजह से बहुत सारे जो डिजीजेज हैं वो होती हैं. देयर इज माउंटिंग एविडेंस दैट लिंक्स बिग डैम्स टू अर्थक्वेक्स. और एक बहुत, ये क्या है, माउंटिंग का मतलब एक बहुत बड़ा ऐसा एविडेंस है, या फिर सब बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से जो बिग डैम्स है अर्थक्वेक आने का एक बहुत बड़ा कारण है. बिग डैम्स हैव नॉट रियली लिव्ड अप टू देयर रोल एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे बड़े बांध है ना, रियली लिव्ड अप टू देयर रोल एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. देखो जो ये पैसेज है ना, ये बुक है या फिर ये ऐसे, इसकी पहली लाइन में राइटर ने यही बोला है. उन्होंने ये बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच के अंदर, कि जो डैम्स है, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, और हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत हेल्प करेगा. बट यहाँ इस पैसेज में बात हो रही है कि जो ये हैव नॉट, ये जो डैम्स हैं कम्प्लीटली, जो हमने कहा था ये हमारे देश की उन्नति में हेल्प करेंगे, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन को की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ये पूरी तरह से फेल हो गया. एम्बलम्स ऑफ मेंस एक्सीडेंसी ओवर नेचर. एम्बलम का मतलब होता है साइन लैंग्वेज. ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये एक साइन है मेंस एसेंडेंसी, इसका मतलब होता है डोमिनेशन, कि हाउ मैन डोमिनेटेड नेचर, कि इंसान ने कैसे नेचर को अपने कब्जे में किया है. मॉन्यूमेंट्स आर सपोज टू बी टाइमलेस. वो कहता है जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ना वो टाइमलेस है, उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई टाइम नहीं है. बट डैम्स हैव ऑन ऑल टू फाइनाइट लाइफ टाइम. वो क्या कहते हैं, उसी तरह क्या कह रहे, जो डैम्स है ना, फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, डैम का भी जो लाइफ टाइम है वो सीमित है. दे लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट टेक नेचर टू फिल देम विद सिल्ट. वो क्या कहते हैं, जो डैम कब तक बचे रहते हैं, लास्ट ओनली का मतलब इनका अंत कब आता है, कब तक रहते हैं ये, एज लॉन्ग एज इन टेक नेचर टू फिल देम विद सिल्ट.
सिल्ट का मतलब ये है, यहाँ पे आप सैंड बोल सकते हैं या फिर मड बोल सकते हैं। जब तक ये नेचर को मिट्टी या उससे सैंड से भर नहीं देते हैं। इट इज़ कॉमन नॉलेज नाउ दैट बिग डैम्स डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट देयर पब्लिसिटी पीपल से दे डू। वो कहते हैं कि ये कॉमन अंडरस्टैंड कॉमन नॉलेज की बात है ना, कि जो हमारे बिग डैम्स थे ना, वो जैसा उनकी पब्लिसिटी की गई थी वैसा कुछ भी नहीं है, वो उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट है। पीपल से दे डू द लोकल पेन फॉर नेशनल गेन मिथ हैज़ बिन ब्लोन वाइड ओपन। वो कहता है कि लोकल पेन फॉर नेशनल गेन का मतलब लोकल लोगों को पेन दिया गया, और नेशनल गेन का मतलब नेशन की ग्रोथ में ये जो मिथ है इसी को ही फैलाया गया। For all these reasons, the dam building industry in the first world is in trouble and out of work. वो कहते हैं कि इन सारे reasons की वजह से जो dam building industry है first world war, मत first world का मतलब यहाँ पे है कि इस दुनिया में मॉन्यूमेंट्स आर सपोज टू बी टाइमलेस। वो कहते हैं जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना वो टाइमलेस होते हैं, उनका कोई अंत नहीं होता, बट डैम्स हैव एन ऑल टू फाइनाइट लाइफ टाइम। उसी तरह जो हमारे जो डैम्स हैं ना फाइनाइट होते हैं, सीमित, उनका भी सीमित लाइफ टाइम है। दे लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट टेक नेचर टू फिल देम विद सिल्ट। सिल्ट होता है मड या फिर सॉल्ट, सॉल्ट कह रही हूँ, मड या फिर सैंड। या क्या कह रहे हैं कि जो डैम है तब तक रहते हैं जब तक ये नेचर को फिल कर देते हैं, भर देते हैं मिट्टी के साथ। इट्स कॉमन नॉलेज नाउ दैट बिग डैम्स डू द ऑपोजिट। क्या कहते हैं कि हमारा ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनता है कि जो हमारे डैम्स हैं जैसा उनको बनाने के टाइम पे वादे किए गए थे ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डैम्स ने क्या किया, उसका ऑपोजिट ही किया। व्हाट देयर पब्लिसिटी पीपल से दे डू। पब्लिसिटी में जब ये प्रोजेक्ट आया था तो लोगों ने बोला था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। द लोकल पेन फॉर नेशनल गेन, या लोकल पेन का मतलब लोकल लोगों को पेन दिया गया और कहा गया था कि नेशन की इसमें ग्रोथ होगी। मिथ हैज़ बीन ब्लोन वाइड ओपन, और इसमें जो मिथ है वो लोगों का टूट गया, मतलब इस जो मिथ है। ऑब्वियस है ना, अभी हमें इस लेसन में ये पढ़ा है कि जो डैम्स की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फॉर ऑल दीज रीजन्स द डैम बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द फर्स्ट वर्ल्ड इज इन ट्रबल एंड आउट ऑफ वर्क। वो कहते हैं इन सभी रीजन्स की वजह से ही जो डैम बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो ट्रबल में आ गई, उनको कोई काम ही नहीं मिला। सो इट इज़ एक्सपोर्टेड टू द थर्ड वर्ल्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। अब इन्होंने सेम बिजनेस को ना एक और नाम दे दिया जिसे ये बोलते हैं डेवलपमेंट एड, अलॉन्ग विद देयर अदर वेस्ट लाइक। और ये जो प्रोजेक्ट आया और इनके साथ साथ और क्या क्या उसके अंदर आए, वेस्ट लाइक ओल्ड वेपन्स, जिसमें इन्होंने ओल्ड वेपन्स का यूज़ किया, सुपर एन्यूएटेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स का यूज़ किया, एंड बैंड पेस्टिसाइड्स। अब गाइस हमने ये लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और इस लेसन में हमने यही पढ़ा है जो नेहरू जी ने कैसे एक स्पीच दी थी जिसका टाइटल था डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इसी स्पीच को बेस बना के जो हमारी राइटर अरुंधति रॉय, उन्होंने ये ऐसे लिखा है जिसके अंदर इन्होंने इसी जो टाइटल है को क्वेश्चन किया, आर डैम द टेम्पल्स ऑफ इंडिया। और जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि डैम्स हमारे देश के लिए टेम्पल नहीं है, वह हम एक पुअर इंसान के लिए और हम प्लस हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। सो गाइस अभी जो लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, एंड जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ना आपके यहाँ पे जो लेसन के साइट पे दिए भी हुए हैं, मैंने साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड जो नेक्स्ट लेसन है आपका वो मैं जल्दी लेके आऊँगी, और साथ में जैसे ही सब लेसन्स की समरी कंप्लीट हो जाएगी आई डेफिनेटली प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।